नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कोई समस्या नहीं है, जो किसी परेशानी से नहीं जूझ रहा, या जिसके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको लेकर वो परेशान हो? चाहे बात हो उसके प्यार की, पैसे की, या फिर कोई घरेलू समस्या की। और जवाब सबका एक ही आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो ना तो हम किसी से कह पाते हैं और ना ही वो समस्याएं हमारे सहने योग्य होती हैं। आपकी ऐसी ही समस्याओं का समाधान हो सकता है वशीकरण से। जी हाँ, आपकी इन समस्याओं का समाधान आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समस्याओं के समाधान के चक्कर में गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, जैसे टोने टोटके, जो कि गलत होते हैं और जिसकी वजह से उन्हें लाभ ना होकर हानि हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। यदि आप किसी को पूरी तरह अपना बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आपका प्यार खो गया है तो किस तरह आप उसे हासिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपका सीनियर आपका प्रमोशन होने नहीं दे रहा, तो किस तरह आप अपने सीनियर को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करवा सकते हैं, यह मैं आपको आज बताने वाली हूँ। एक महत्वपूर्ण बात, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी और अगर कोई भी पॉइंट छूट गया या आपके दिमाग से वो बातें निकल गई, तो ये विधि सही प्रकार से नहीं हो पाएगी और आपका वशीकरण अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, वशीकरण के बारे में बताने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एक फ़ोटो उस व्यक्ति की जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, थोड़ा सा सिंदूर, मिश्री, गंगाजल और मोमबत्ती। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की मदद से किस तरह आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं या किस तरह आप उसको अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, यह मैं बताऊंगी आपको। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रहे कि ये प्रचंड वशीकरण है और इस वशीकरण को सिर्फ और सिर्फ सही कामों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा आपसे दावा है कि अगर इस तरह का प्रयोग आप सही तरीके से करते हैं, जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो इसका 100% फायदा आपको मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर और उसमें ज़रा सा गंगा जल मिला लेना है। इसके बाद आपको लेनी है उस व्यक्ति की फ़ोटो जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, और सिंदूर के लेप की सहायता से आपको उस फोटो पर एक स्वस्तिक बनाना है। अब आपको मिश्री के कुछ दानों को अपने हाथ पर लेना है और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद एक मंत्र का उच्चारण आपको 31 बार करना है। ये मंत्र बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से ही वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं। वो मंत्र है ओम क्लीम कलुम मम वश्या कुरुम भवंती स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको 31 बार करना है और इसके बीच में आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है पूजा, तो आप कुछ इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम क्लीम कलुम मम पूजा वश्या कुरुम भवंती स्वाहा। कुछ इसी तरह 31 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है और जो मिश्री के दाने हैं इनको फोटो पर चढ़ा देना है और फूंक मारनी है। इसके बाद आपको एक मोमबत्ती लेनी है, मोमबत्ती को जलाना है और मोमबत्ती का जो प्रकाश है वो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति की फ़ोटो पर पड़ना चाहिए। ऐसा करते हुए मोमबत्ती का मोम उस व्यक्ति की फ़ोटो पर गिरना चाहिए। और दोस्तों, याद रखिए कि आपको पूरी मोमबत्ती जलानी है। जब पूरी मोमबत्ती जल जाएगी, उसके बाद फ़ोटो पर गिरे हुए मोम, मिश्री के दाने और फ़ोटो को अपने हाथ में लेकर
एक ऐसी जगह गाड़ दीजिए जहां किसी का भी पहुंचना नामुमकिन हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वशीकरण पूरा हो जाएगा और मात्र 2 से 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति स्वयं आपके पास आएगा, आपसे बात करना चाहेगा, आपसे दोस्ती करना चाहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो सही प्रकार से इस विधि का और मंत्र का उपयोग कीजिए और अपने आप को खुश रखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो या इस विधि को करने में कोई दिक्कत हो या कोई अन्य समस्या है जिसका समाधान आप कर करके थक गए हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहा, तो हमारे गुरु जी के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और गुरु जी से बात करके अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो बिल्कुल भी देर ना करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए, गुरु जी से बात करके अपनी सभी परेशानियों का निदान पाइए और वो भी तुरंत ही। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।